रमजान ईद के मौके पर सोलापुर में अनेक वैरायटी के बुरखे दाखिल। सोलापुर स्थित बिजापुर बेस के मीना बाजार में खास रमजान ईद फेस्टिवल के मौके पर देश विदेश से अनेक वैरायटी के बुरखे दाखिल हो चुके हैं। सोलापुर के बिजापुर बेस में मशहूर माने जाने वाला जमादार कलेक्शन में इस साल रमजान के मौके पर दुबई, मुंबई, हैदराबाद और गल्फ से हजारों वैरायटी के बुरखे दाखिल हुए हैं। आइए देखें, ब्यूरो रिपोर्ट, जम जम न्यूज इंडिया। रमजान की अलग अलग वैरायटी है, कलर में भी है, ब्लैक में भी है। ये वाला पीस नया चल रहा, कलर कॉम्बिनेशन है। उसमें और अलग अलग डिजाइन भी है, दिखाऊं क्या? ये वाला पीस। अच्छा, कमर पे एडजस्टमेंट की नॉट आती है और अस्टिन बलून आते हैं इसके। कस्टमर ज़्यादा पसंद करता है ये पैटर्न को। नीचे फ्रिल आती है इसमें। दूसरा ये कॉम्बिनेशन में वैरायटी ज़्यादा चलती है, ये वाला। सब रमजान का फेस्टिवल है क्या? हाँ, रमजान का फेस्टिवल है। न्यू पैटर्न है, न्यू वैरायटी है। इंडियन आएगा ये? नहीं, इंपोर्टेड है। डबल एक्सएल का तो डबल एक्सएल का। ये दुबई पैटर्न है। कौन सा कपड़ा है? पराठा। इंडियन पीस है क्या? नहीं, इंपोर्टेड पीस है। अच्छा अच्छा बुरखे जो है ना, 400 से स्टार्ट है। अलग अलग रेंज के अलग अलग वैरायटी है, 2200 पर एंड है। जैसा कस्टमर मांगता वैसे पैटर्न है। कलर में काले में डिजाइन होना तो डिजाइन, सिंपल होना तो सिंपल, जैसा बोले वैसा। रमजान के मौके पर क्या क्या है इसके? रमजान में बहुत वैरायटी है, हर एक की पसंद पर है। हर एक पैटर्न बोल नहीं सकते, हर एक डिजाइन अलग अलग है, जिसकी उसकी पसंद पर है। और यहाँ इंडिया के अलावा बाहर के भी कोई बुरखे? हाँ है ना, बाहर के हैदराबाद के है, सूरत है, मुंबई के है, सऊदी के है, दुबई पैटर्न है, हर पैटर्न है। यहाँ नोज पीस से लेकर बुरखा, नोज पीस, रुमाल, मखनी, दुपट्टा, आराम, बच्चों के बुरखे, हैंड ग्लव, सॉक्स, सब मिलता। जितना लेडीज सामान है सब, होजरी, मैक्सी, नाइटवेयर,